और हल्द्वानी में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए डीएम ने कड़ा रुख अपनाया है, जिसको देखते हुए उन्होंने वाहनों में ओवरलोडिंग की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रथम चरण में लालकुआं से शुरुआत कर दी है। वहीं मालवाहक वाहनों की ओवर हाइट पर जाने पर भी कार्रवाई की जा रही है। आरटीओ नंदकिशोर ने कहा कि लालकुआं में 123 वाहनों के चालान किए गए हैं, जिनमें ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई करते हुए 14 वाहनों के चालान और ओवरलोड में 17 वाहनों के चालान ओवर हाइट में काटे गए हैं। महोदय के निर्देश लालकुआ में ओवरलोडिंग और ओवर हाइट के विरुद्ध प्रवर्तन दलों को निर्देशित किया गया था, जिनमें उनके द्वारा 14 वाहनों के ओवरलोड में चलान किए गए और 17 वाहनों के ओवर हाइट में चलान किए गए। इसके अलावा टोटल 123 वाहनों के चलान इसमें किए गए, जो अलग अलग अभियोगों में थे, बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना टैक्स, और भी कई अभियोगों में प्रवर्तन कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की गई है। सर, आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेंगी? बिल्कुल, सभी दलों को निर्देशित किया गया है कि लगातार समय समय पर लगातार कार्रवाई करते रहें। रात्रि में ये देखा गया कि रात्रि 8 बजे के बाद अक्सर जो बाइकर्स हैं वो बहुत ही यातायात नियमों का उल्लंघन करके वाहन चलाते हैं, तो उनके लिए परिवहन विभाग की 6 या 7 टीमें हमने उतारी थी एक साथ, जो शहर के अलग अलग रूटों पर तैनात थी। उन्होंने सख्त कार्रवाई करते हुए लगभग 200 बाइकर्स के चलान किए हैं, जिनमें बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस, बिना इंश्योरेंस